Hi friends, this is Kawaljit Kaur, and by beginning with this video, I am going to come up with the translation of the sentences from regional language to English. These are the kind of sentences which we come across almost every day. जब हम बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो अक्सर ये sentences हम बोलते हैं. Today's sentences, हारने में और हार मान लेने में बड़ा अंतर होता है. आप इसको मोटिवेशनल कोट भी कह सकते हैं, पर ये ऐसा कोट है जो दिन में एक बार जरूर रिपीट करना चाहिए, खास करके अगर हम कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही, सक्सेसफुल नहीं हो रही है, और हमें लगता है हम हार रहे हैं. एंड वन फाइन डे हम डिसाइड करते हैं ये मेरे से नहीं होना और क्विट कर जाते हैं. तो वो सिचुएशन जब आती है तो अपने आप को रिमाइंड कराइए, हारने में और हार मान लेने में बड़ा अंतर होता है. हारना, लूजिंग, हार मान लेना, एक्सेप्टिंग डिफीट. और जब हम हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है हमने अपना जीतने का मौका भी किसी और को दे दिया. नेवर डू दैट. अपनी चीज़ अपने पास रखिए एंड कीप ऑन ट्राइंग. Now, the English version of these sentences, there is a lot of difference between losing and accepting defeat. There is a lot of difference between losing and accepting defeat. Never do that. हारने में और हार मान लेने में बड़ा अंतर होता है. Keep moving.